हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरहट के हिंदी में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस साल करोड़पति बनना चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, आपको कभी भी कोई पैसे की कमी ना हो, तो इस दशहरे पर आप ना भूले नारियल की ये 10 टोटकी। इनमें से कोई भी टोटका यदि आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपके घर में धन धान्य भर जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस नारियल के 10 टोटकों को किस प्रकार से करना है। भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व होता है। मंदिर में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज है। हिंदू धर्म में वृक्षों के गुणों और धर्म की अच्छे से पहचान करके ही उसके महत्व को समझते हुए उसे धर्म से जोड़ा गया है। उनमें ही नारियल का पेड़ भी शामिल है। नारियल को श्री फल भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको नारियल के 10 ऐसे ही चमत्कारी टोटके बता रहे हैं जो कि दशहरे के दिन किए जाते हैं। पहला टोटका, ऋण उतारने के लिए। एक नारियल पर चमेली का तेल मिले, सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, कुछ भोग लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करें। इससे आपको तत्काल लाभ होगा। आपके ऊपर जितना भी ऋण होगा वह जल्दी ही उतर जाएगा। दूसरा उपाय, दशहरे के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अगला टोटका, व्यापार में लाभ के लिए। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा तो दशहरे के दिन इस दूसरे टोटके को जरूर करें। कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पान मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में जाकर चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार में लाभ मिलने लगेगा। तीसरा टोटका, यदि आपके घर में रुपया टिक नहीं पा रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो तो परिवार आर्थिक संकट से घिर रहा है, ऐसे में दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प की माला 1.25 मीटर गुलाबी, सफेद कपड़ा 1.25 पाव चमेली, दही, सफेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित कर दें। इसके पश्चात माँ की कपूर व देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनक धारा स्रोत का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से आपको तुरंत ही छुटकारा मिलने लगेगा। चौथा टोटका, काल सर्प या शनि दोष हेतु। शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए दशहरे के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा 1 कील के साथ उसे बहते जल में प्रभावित कराएं। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है और आपके ऊपर से जितनी भी बाधाएं वैसे भी दूर हो जाती। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हो तो सूखा नारियल या काला सफेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से व्यक्ति का काल सर्प दोष दूर हो जाता है। पांचवा टोटका, सफलता हेतु। यदि कोई काम काफी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा तो आप एक लाल सूती कपड़ा लें और उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लें और फिर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर बोलें। दोस्तों, छठा टोटका, बीमारी या संकट हटाने हेतु। आप एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी भी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम माना जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको चोला वस्त्र चढ़ाएं। सातवां टोटका, स्थायी नौकरी हेतु। दशहरे के दिन
नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करी और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुगदी बनाई। फिर उस लुगदी की 7 पुड़ियां बनाई, जिसमें से 4 पुड़ियां घर के चारों कोनों में रख दी। उसमें से 1 पुड़िया घर की छत पर, 1 पीपल की जड़ में और 1 अपनी जेब में रखी। यह सावधानी रखें कि इस पर किसी की नजर या परछाई ना पड़े। जब 7 दिन व्यतीत हो जाए तो सभी पुड़िया एक जगह पर इकट्ठी कर ले। फिर उनमें से 1 पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कमाना चाहते हैं, वहां उसके द्वार के किसी कोने में छिपा कर रखें। हालांकि यह टोटका किसी जानकार से पूछ कर ही आपको करना बेहद उचित होगा। 8वां टोटका, संकट से मुक्ति हेतु। दशहरे के 1 दिन पहले एक नारियल ने उसको अपने सिर के पास रखकर सो जाए। सुबह उठकर किसी नदी में नारियल को प्रभावित कर दे। ध्यान रहे कि नारियल प्रभावित करते हुए इस मंत्र का आप जप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहे। 8वां टोटका, श्री गणेश और धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में 1 नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रखें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। इससे जल्दी आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। 10वां और आखिरी टोटका, जीवन भर मालामाल बने रहने के लिए आपको दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं। चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। आप 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। 1 दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों। इसके अतिरिक्त 1 छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद इनकी विधि पूर्वक पूजा करें। यदि आप इस प्रकार से पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप हमेशा मालामाल बने रहेंगे। आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 10 ऐसे अचूक टोटके थे जो कि केवल दशहरे वाले दिन ही किए जाते हैं। इन टोटकों को केवल दशहरे के दिन ही करें। ध्यान रहे, और दिन इन टोटकों को ना करें। यदि आप दशहरे के दिन करते हैं और इनको आप अच्छे से संपन्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है एवं धन संपदा प्राप्त होती है। तो आज हमने आपको 10 अलग अलग अचूक टोटके बताए। किस काम के लिए कौन सा टोटका करना है, आप निश्चित रूप से कोई भी टोटका कर सकते हैं। आपको इसका लाभ ही होगा, आपको इसका नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दशहरे से 1 दिन पहले नवरात्रि में आप कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। कन्याओं को भोजन कराना यदि आप नहीं कर पाए हो तो दशहरे वाले दिन भी आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को देखें या कोई भी जानवर या कोई भी पशु पक्षी को देखें, उनको आप निश्चित रूप से थोड़े से चावल, रोटी या फिर अनाज जरूर खिलाएं। यह सब खिलाने से व्यक्ति का जो भाग्य होता है वह दिन पे दिन मजबूत होता चला जाता है और व्यक्ति की कभी भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी बाधा नहीं आती। यह काम आप रोजाना भी कर सकते हैं। रोज आप अपने छत पे जाके थोड़े से अनाज, रोटी के टुकड़े या खाने के लिए कुछ भी वस्तुएं पशु पक्षियों के लिए रखें और उनके लिए पानी भी जरूर रखें, क्योंकि पशु पक्षी बहुत सारे आपके छत पे आते हैं और ये पक्षियां आपको मन से बहुत ही ज्यादा दुआ देती है, जिससे कि व्यक्ति के घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तो हमें बेजुबान जानवरों को और पशु पक्षियों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं